नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नंदिनी है और मैं डीप नॉलेज से बोल रही हूँ। मैं भी कुछ दिनों पहले मेरा एनकाउंटर हुआ था एक MLM कंपनी से। उसके कुछ एग्जीक्यूटिव्स ने मुझसे कांटेक्ट किया था उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे तो जिनके साथ एक पास मुझे मिला, तो मेरे भैया ने दिया था। उन्होंने कहा कि एक सेमिनार है, अगर तुम्हें अटेंड करना हो तो तुम चली जाओ। तो मैंने कहा हाँ, फ्री टाइम है मेरे पास, मैं चली जाऊंगी। तो वो भैया ने मुझे दिया था, वो पास मुझे फ्री में मिल गया। तो उन्होंने 3-4 पास मुझे एक्स्ट्रा दे दिए थे। उन्होंने कहा अगर कोई तुम्हारे फ्रेंड इंटरेस्टेड हो तो उसको भी साथ में ले जाना। तो मैंने अपने फ्रेंड से कांटेक्ट किया, तो जो हॉस्टल मेट्स थे मेरे, तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। तो फिर सब रेडी होगी, अगले दिन हम लोग को जाना है। फिर उससे कॉल आया, भैया के जो फ्रेंड थे जिन्होंने उसको ज्वाइन कर रखा है, तो उन्होंने कहा कि जो पासेस है वो 50 रुपीज पर पर्सन है। तो जिन जिन को मैंने बोला सबने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था नहीं यार, 50 रुपीज पास नहीं खरीदेंगे। तो फिर मैंने उनको वापस से बोला कि सब मना कर रहे हो, तो कहते ठीक है सबको लेना, उनके पैसे मैं दे दूंगा। तो फिर अगले दिन हम लोग ने सेमिनार अटेंड किया। तो वो सेमिनार मतलब इतना इन्फ्लुएंसिंग था कि मतलब झट से मैं तैयार हूँ कि हाँ वो ठीक है और मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। तो फिर मेरे बाकी के फ्रेंड्स थे, कुछ ने तो मना कर दिया था। मैं और एक और लड़की थे, हम दोनों बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस हो गए थे कि हाँ ये करना ही करना है, बहुत अच्छी है और इसमें फायदा ही फायदा होना है। तो फिर तैयार हो गया, लेकिन उसमें हम लोग को कुछ पैसे भी पे करने पड़ रहे थे, मेरे लिए वो हेफ्टी अमाउंट एक तरीके से, जिसको मैं नहीं पे कर सकती। तो फिर मैंने पापा से कांटेक्ट किया कि पापा ये ऐसी ऐसी बात है और मतलब ये चीज़ें मुझे करना है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये चीज़ अभी आपके लिए सही नहीं है, आप मत करो इसको। तो फिर मैं उससे कहीं से अरेंज करते हैं ऑल दैट। तो फिर उसके बाद से जो मुझे ज्वाइन करना, जिनके थ्रू मुझको उसको ज्वाइन करना था, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट किया उन्होंने कि मतलब आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। तो मैंने कहा हाँ करना तो है लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो फिर उन्होंने कहा अरे होगा कैसे नहीं, आप मतलब आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा। और प्लस इसमें आपको, उनका ये ऐसा था ना कि अगर आपको किसी को ऐड एक के दो, दो के चार, चार के ऐसे जब आपको ऐड करते जाओगे तो आपको उसके लिए पैसे मिलते हैं। तो 3 बंदे पे आपको मेबी 2700 ऐड करके आपको पैसे मिलते हैं। तो फिर मैंने कहा कि मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा तो मतलब आपको जितना आप लोगों को जोड़ेंगे उतना ही आपको उसके लिए पैसे मिलेंगे। तो फिर इस तरीके से बार बार उनके कॉल आते रहे, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि मतलब क्यों बाबा को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। फिर मैंने उसके पर्टिकुलर जो भी MLM कंपनी मुझे कॉन्टैक्ट कर रही थी, तो फिर मैंने जाके गूगल किया, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली। तो कुछ उसके पॉजिटिव रिव्यूज थे, कुछ उसके नेगेटिव रिव्यूज थे। फिर मतलब जिस तरीके से वो मुझे फोर्स कर रहे थे करने के लिए, तो मुझे वो करना नहीं था बेसिकली, क्योंकि जो वो चीज़ मेरे साथ कर रहे वही मुझे दूसरों के साथ करना पड़ेगा और मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे फोर्स करे, और मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने उनको डायरेक्टली मना कर दिया कि ये मुझे नहीं करना है, क्योंकि जो मैं खुद के साथ नहीं कर सकती हूँ दूसरे के साथ कैसे कर सकती हूँ। तो अगर MLM या फिर ऐसी कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करते हैं तो वो सही है या गलत, वो तो बात की बात है, आपको खुद के लिए देखना पड़ेगा कि क्या वो आपके लिए सही है, आप उसको कर सकते हो। तो MLM के बारे में मेरा ये एक्सपीरियंस रहा था। थैंक यू सो मच दोस्तों। हमारी प्लेलिस्ट में जो बुक सीरीज़ है उसको हमको हटाना पड़ रहा है, बिकॉज़ बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कि बुक्स लिखती हैं, वो चाहती हैं कि उनकी बुक्स को हम इस तरह से पब्लिक में रीड ना करें। लेकिन आपको अगर ये बुरी की बुरी बुक सीरीज़ पढ़नी है, समझनी है, तो हमारे साथ प्राइम मेंबर बन जाइए, तो उसमें हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं पूरी की पूरी बुक सीरीज़। और अगर आप में से किसी को भी पर्सनली मुझसे गाइडेंस चाहिए, मुझसे हेल्प चाहिए, तो जनों का बेसिक कोर्स ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।